हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट आपके साथ लेकर आई हूँ। ये काफी हेल्दी है, स्वादिष्ट है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कोई और प्रोडक्ट के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो रेसिपी है वो 10 से 15 मिनट के अंदर बन जाएगा। बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, स्वादिष्ट है, मतलब देखते ही खाने का मन करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको यहाँ पे ले लेना है एक कंटेनर, जिसमें आपको पानी बॉईल करना है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डालकर आपको यहाँ पे मैक्रोनी डाल देना है। एंड उसको आप बॉईल करने के लिए छोड़ दीजिए कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। चाहिए, बनाते हैं हमारी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 से 3 टमाटर, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन एंड साथ ही साथ में 1 रेड चिली और 1 से 2 ग्रीन चिलीज ले लेंगे हम। इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद हमें चाहिएगा 1 चिली, थोड़ा सा करी लीव, थोड़ा सा गार्लिक, 1 टमाटर और 3 प्याज। इन सबको हम चॉप कर लेंगे। टडा, चॉप हो चुका है। अब हम चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। इन द मीनवाइल हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो चुका होगा, तो हमें एक पैन लेना है एंड इस पैन में डाल देना है 2 से 3 टीस्पून ऑयल डाल देना है हमें। ऑयल को हीट होने के लिए छोड़ देंगे हम, हाई फ्लेम में ही रखेंगे गैस को। यहाँ पे मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ, तो इसे मैं हाई टेम्परेचर पे रख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा, हमें इसके अंदर डाल देना है हमारा चॉप किया हुआ गार्लिक, साथ में थोड़ा सा करी लीव्स और हरी मिर्च। इन तीनों को हम अच्छे से डालकर अच्छे से सॉटे कर लेंगे एंड उसके साथ इसको हम 15 सेकंड के लिए सॉटे करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, ताकि जो हमारा पास्ता है उसमें एक अच्छा कलर आ सके, क्योंकि हम इसमें कोई एडिशनल कलर्स नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से 15 सेकंड के लिए सॉटे कर देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो अच्छे से सॉटे हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा ऑनियन एंड हमें ऑनियन को तब तक पकाना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो। जैसे ही हमारा ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है टोमेटो का, उसको हम अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा मसाला। यहाँ पे हम एकदम बेसिक सा मसाला यूज़ करने वाले हैं, कोई एक्सेस मसाला नहीं, जो घर में अवेलेबल है हम वही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ी हल्दी और 2 से 3 टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। इस धनिया पाउडर इसमें सबसे ज़्यादा डालना होता है ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन सके। साथ ही साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर एंड हमें इस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है अच्छे से। एंड साथ ही साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा जो चॉप किया हुआ टमाटर है, हम उसे भी इसके अंदर डाल देंगे एंड इसको बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे एक हाई मीडियम फ्लेम में।
आप देख सकते हो हमारा जो ग्रेवी है उसमें से ऑयल छूटने लगा था। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पास्ता का पानी डालेंगे। हमारा जो पास्ता का पानी है हमें वही यूज़ करना है, उससे जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से आती है, सारे मसाले उसके अंदर कोट हो जाते हैं। तो उस पानी को आप बिल्कुल मत फेंकिएगा। पास्ता का पानी का मतलब है जिस पानी में आप पास्ता बॉईल कर रहे हो ना उसमें उसका स्टार्च इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी से ही आप पास्ता बनाना, कोई बाहर का पानी से यूज़ नहीं करना। इसे कवर करके हम फिर एक मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम में पका लेंगे इसको। अब आप देख सकते हो ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है मसालों से। अब बारी आ जाती है हमारी पास्ता डालने की। तो पास्ता को जो बॉईल किया था मैंने उसे पानी ठंडे पानी से धो लिया था, एंड उसके बाद अगर आप चाहिए तो ऑयल उसमें डाल सकते हो अगर आपका पास्ता चिपक गया है तो। मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ बिकॉज मेरा पास्ता नहीं चिपका था, एंड उसको मैं अच्छे से पास्ता डाल दूँगी अपने पैन में और इसे अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी। एकदम आपको फास्ट मिक्स नहीं देना है वरना जो आपका पास्ता है वो टूट सकता है। तो बस आपको नॉर्मली मिक्स कर लेना है अपने पास्ता को। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि इससे जो स्वाद है बहुत यम्मी आता है। मुझे पर्सनली ऐसा स्वाद बहुत पसंद आता है पास्ता में, तो आप इसे डाल सकते हो। इसे डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और हाई फ्लेम पे यानी कि हाई टेम्परेचर पे रखिएगा अपने इंडक्शन को। जैसे कि मैंने अपना इंडक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया था 200 से 800 में, और इसको मैंने एक मिनट के लिए ढक के पका लिया था ताकि जो मसाले हैं वो सारे पास्ता के अंदर कोट हो जाए। और हमारा जो पास्ता है ये बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर आया है पास्ता का, दिखने में बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत यम्मी था। तो ज़रूर इस पास्ता की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको जो पास्ता की रेसिपी है वो कैसी लगी है। भैया मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और आपको इस टाइप की रेसिपीज़ देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बाजू में जो घंटी है उससे भी बजाना ना भूलिए। गाइज यहाँ पे जो मैंने पास्ता यूज़ किए हैं आप इसके बदले व्हीट पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं दिखा तो मैंने वो नहीं लिया है। अगर आप चाहिए तो आप व्हीट पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। That was all about for today's video. I know कि आप लोगों को देखकर ही एकदम tempting वाला feeling आ रहा होगा, तो इस video को जरूर like कीजिएगा and remedy को जरूर try कीजिएगा, मुझे नीचे comment करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में आप मुझे pictures भेज सकते हैं मेरे Instagram handle में, Instagram handle है style with पूजा, तो जरूर भेज दीजिएगा pictures ताकि मैं भी देखूँ कि आपने remedy try की है और आप लोगों को ये वाला जो recipe है वो कैसा लगा है। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो छोटी घंटी है उससे भी बजाना ना भूले ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, टाटा बाय।